हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को 1 मीटर कपड़े में शर्ट की कटिंग करना बताएंगे, वो भी 2 शर्ट बच्चों की साइज़ के। पहला वाला शर्ट 10-11 साल के बच्चों के लिए और दूसरा शर्ट 5-6 साल के बच्चों के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो पहले हमने बड़े वाले शर्ट की साइज़ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, जिसकी चौड़ाई हम लगभग 18 इंच रखेंगे। हमें हर जगह से 18 इंच ही लेना है, कहीं भी कम और ज़्यादा नहीं करना है। हम यहाँ से इस कपड़े को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस कपड़े को यहाँ से कट कर लिया है, कट करके अलग कर लिया है। अब हम इस वाले के छोटे वाले कपड़े से छोटा शर्ट बनाएंगे, लेकिन हम पहले आपको बड़े शर्ट की कटिंग करना सिखा रहे हैं। तो इस कपड़े से हमको बड़े वाले शर्ट की कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े को हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। इसकी लंबाई 24 इंच यानी कि 24 इंच रहेगी। हमें तैयार तो 25 इंच की लंबाई करना है, लेकिन हम आगे वाले पार्ट को 24 इंच में ही कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस कपड़े को यहाँ से अलग कर लेना है। हमें बड़े वाले शर्ट की लंबाई पहले अलग कर लेनी है। तो देखिए, हम यहाँ से इस कपड़े को दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने बड़े शर्ट की लंबाई को अलग कर लिया है। अब पहले हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो पहले चौड़ाई देख लेते हैं 18 इंच, लंबाई देख लेते हैं 24 इंच, क्योंकि हमें तीरा लगाना है। तीरा लगाने के बाद शर्ट की लंबाई पूरी हो जाएगी। हमें 25 इंच की तैयार करना है शर्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों पार्ट को कम ज़्यादा कर लिया है थोड़ा, क्योंकि हमें जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो हम आगे की साइड रखेंगे, क्योंकि हमें बटन लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए और ये बैक पार्ट जो है वो हमें थोड़ा कम चाहिए। तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चौड़ा वाला पार्ट है, इसको हम आगे लगाएंगे, क्योंकि हमें बटन के लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो इसीलिए हमको चौड़ा वाला पार्ट आगे लगाना है और ये पतला वाला जो है वो हम बैक में लगाएंगे। तो दोनों कपड़े का खुला हुआ मुंह दो साइड हम रखेंगे। देखिए जिस तरह से हमने रखा है वो ठीक इसी तरह से रखना है, और बैक पार्ट को हम आधा इंच छोटा कर देंगे, क्योंकि हमें तीरा लगाना है। तो हमारी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तीरा लगाने से। हमने आधा इंच कपड़ा अलग कर लिया है। अब यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस दोनों निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारे ये निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी कंधी का निशान लगाएंगे। हमें 1 इंच कंधी गिराना है। यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हमें आधा इंच पट्टी के लिए कपड़ा अलग करना है, क्योंकि हमें मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था, हमें पट्टी पे दूसरा कपड़ा लगाना है, इसलिए हम आधा इंच ही हटाएंगे। यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें ये कंधे की कटिंग करना है।
तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हमें शर्ट की फिटिंग के लिए साइड में भी थोड़ा कटिंग करना होगा, लेकिन पहले हम नीचे की गोलाई की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारे आगे का पार्ट जितना भी है उसका 1/2 इंच हम करके हाफ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम गोलाई दे देंगे। इसी पे हम अपनी अच्छी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम साइड में 2-3 पॉइंट, लगभग 2-3 पॉइंट ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें शर्ट की फिटिंग के लिए थोड़ा सा कटिंग करना होता है। देखिए बिल्कुल बारीक सी कटिंग हम करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से निशान लगा के कटिंग करेंगे। आप लोग के पास अगर वो गोलाई वाला स्केल होगा तो उससे आप लोग निशान लगा लीजिएगा। इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। देखिए हमारे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें स्लीव्स और तीरे की कटिंग करना रहेगा। तो आइए देख लेते हैं पहले छोटे वाले शर्ट की कटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे इस कपड़े में 4 इंच कपड़ा ज़्यादा है। इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे, उसी कपड़े से हम दोनों शर्ट में तीरा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस कपड़े को अलग कर लिया है, जो कि हमारा 4 इंच कपड़ा है। दोनों शर्ट में हम इसी से तीरा बनाएंगे। इसकी चौड़ाई 16 इंच है छोटे वाले शर्ट की। हमने दोनों पार्ट को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लिया है 1 इंच के लगभग, क्योंकि हमें तीरा लगाना है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से फैला लिया है। आगे वाले पार्ट को हमने पहले रख लिया है, उसके ऊपर हम पीछे वाले पार्ट को रखेंगे। हमने इस कपड़े को भी सेम उसी कपड़े की तरह फैला लिया है, जिस तरह से हमने बड़े वाले शर्ट की कटिंग की थी, ठीक उसी तरह से इसको भी रख लिया है। ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से फैला लेंगे और यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ हल्की गोलाई दे देंगे। बिल्कुल हमें बड़े वाले शर्ट की ही कटिंग करना है, बस यहाँ हमें छोटा शर्ट है तो यहाँ कहीं कहीं 1/2 इंच 1 इंच हमें कम लेना होगा, लेकिन हमारी कटिंग सेम रहेगी। हम कंधे भी उसी तरह से गिराएंगे और यहाँ से हम गले की दूरी भी वही 1.5 इंच पे लेंगे हमारा, क्योंकि हमारा छोटा शर्ट है। हमने कंधे के निशान को कंप्लीट कर लिया है। इसको हम दोनों निशानों को हम ऐसे मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम कंधे की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे की गोलाई की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम साइड में फिटिंग देंगे। ये निशान हमारा 1.5 इंच पे रहेगा, क्योंकि ये शर्ट छोटा है। और ये तो हमने जैसे पहले बताया था कि 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, तो हमारा ये 4 इंच है 1/2। इसको हम गोलाई दे देंगे, बिल्कुल सेम वही कटिंग करेंगे हम। इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम साइड में थोड़ा फिटिंग देंगे, बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे शर्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है।
इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। हमने अपने दोनों शर्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है, ये छोटा ये बड़ा दोनों शर्ट हमने दिखा दिया है आप लोगों को। अब हम इसके तीरे की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक तीरा देख लेंगे कितना है, फिर इसको डबल कर लेंगे। एक इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। अब हम अपने तीरे के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। अब शर्ट से हम इसकी भी साइज़ लेंगे। हमारा गला 2 इंच पे था, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारी कंधी 1 इंच हमने गिराई थी, ये भी हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच पे निशानों को हम सीधा कर लेंगे, गोलाई दे देंगे हल्की सी। सेम वही प्रोसेस है जो हमने बड़े वाले शर्ट में की थी। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस कपड़े को इस तरह से हम रखेंगे। और अब देखिए ये जो हमने 1 इंच बढ़ाई थी इसको हम इस तरह से तिरछे निशान लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे तीरे की कटिंग कंप्लीट। अब हम अपने तीरे को इस तरह से रखेंगे, रख के और फिर ऐसे देख लेंगे कि हमारा तीरा सही बैठता है कि नहीं। तो देखिए एकदम फिट बैठ रहा है। अब यहाँ हम गले के निशान को लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने बैक वाले गले को 2 इंच पे निशान लगाया था ठीक उसी तरह से हम आगे वाले को भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पट्टी के लिए हम 1/2 इंच छोड़ देंगे। अब 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक उसी तरह नीचे भी निशान लगाएंगे 2 इंच पे। इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पूरे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम अपनी स्लीव्स को लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा तीरा कटिंग के बाद इस तरह से आएगा और आगे वाले पार्ट में इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करना है। दोनों शर्ट की स्लीव्स इसी कपड़े में हमको बनाना है। तो आइए देख लेते हैं इसकी कटिंग कैसे करें। तो ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ये 2 पार्ट में है, डबल पार्ट। तो स्लीव्स की चौड़ाई है 7 इंच, इसको हम 7 इंच रखेंगे और लंबाई ये पूरी रहेगी क्योंकि हमें फोल्ड करना है इसको। तो 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ 6 इंच लगाएंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर भी ऐसे हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब हम आगे थोड़ा फिटिंग देने के लिए थोड़ा सा यहाँ कटिंग करेंगे।
अब इन दोनों स्लीव्स को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे एक स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी स्लीव्स की कटिंग करने जा रहे हैं। इसकी भी लंबाई हम पूरी रखेंगे, इसकी चौड़ाई 6 इंच रखेंगे क्योंकि ये शर्ट छोटा है इसलिए, और 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्लीव्स भी हमारी कट चुकी है। इसकी लंबाई हम पूरी रखेंगे क्योंकि इसको हमने डबल फोल्ड करना है। यहाँ से हम थोड़ा सा फिटिंग के लिए कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी दोनों स्लीव्स कट के तैयार है। अब हम ये बचे हुए कपड़े से कॉलर और पॉकेट बनाएंगे। दोनों शर्ट के लिए हम इसी में से बनाएंगे। और ये जो कपड़ा है इसको हम आगे पट्टी पे लगाएंगे क्योंकि कम कपड़े की वजह से हमने पट्टी थोड़ा कम ही रखी थी, 1/2 इंच ही रखी थी, इसलिए हमें पट्टी से ही उसको बढ़ाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों शर्ट कट के कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।